आखिरी गेंद तक लड़ने की बात करने वाले इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़े तो, लेकिन क्लीन बोल्ड हो गए। ये मैच वो हार गए और ये हार उनके जिंदगी की सबसे बड़ी हार मानी जा रही है। दरअसल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में देर रात इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसमें इमरान खान एंड कंपनी की हार हो गई। पाकिस्तान का अगला कप्तान शहबाज शरीफ, रहस्यों और सस्पेंस से भरी है शरीफ की जिंदगी। शरीफ का भारत से क्या है नाता? पाकिस्तान में इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद अब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए पीएम हो गए। आइए आपको बताते हैं कि कौन है शहबाज और उनकी जिंदगी इतनी रहस्यों और अफवाहों से क्यों भरी है। कौन है शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के सांसद हैं और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ 3 बार पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं। शहबाज शरीफ का राजनीतिक सफर। राजनीति में शहबाज की एंट्री 1980 के दशक में हुई थी। उन्होंने अपना पहला चुनाव 1988 में लड़ा और जीत हासिल की थी। साल 1997 में पहली बार पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन 1999 में सेना ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया और उनका सीएम पद छीन लिया गया। लेकिन साल 2008 और 2013 में शहबाज शरीफ फिर से पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री बने। साल 2018 में पाकिस्तान के आम चुनाव में PMLN ने ही शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया था, लेकिन इस चुनाव में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान चुनाव जीत चुके थे। शहबाज के परिवार का अमृतसर से क्या है नाता? शहबाज शरीफ के पिता मोहम्मद शरीफ बंटवारे से पहले अमृतसर में रहा करते थे, लेकिन 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना तो मोहम्मद शरीफ अपने परिवार के साथ लाहौर जाकर बस गए। शहबाज शरीफ की माँ पुलवामा की रहने वाली थी। शहबाज शरीफ का जन्म 1951 में लाहौर में ही हुआ था। लाहौर की एक सरकारी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद शहबाज ने अपना फैमिली बिजनेस संभाला था। अफवाह और सस्पेंस से भरी है शहबाज की जिंदगी। शहबाज की शादी, पत्नी और परिवार को लेकर कई तरह की कहानियां बताई जाती हैं। कहा जाता है कि शहबाज की 4-4 शादियां हुई हैं और इनमें से कुछ शादियों को शहबाज ने गुप्त रखा है। शहबाज की पहली शादी उनकी कजिन बेगम नुसरत से हुई थी। उनका निकाह 1973 हुआ था। उनसे उनको 5 बच्चे हैं। शहबाज की दूसरी बीवी का नाम नरगिस खोसा बताया जाता है। वो तारिक खोसा की बहन है जो जांच एजेंसी से हैं। इसके अलावा सऊदी की आलिया हमीम, दुबई की तहमीना दुर्रानी से भी शादी की बात कही जाती है। कहा जाता है कि शहबाज शरीफ ने 5वीं शादी भी की थी, जिसे उन्होंने गुप्त रखा था। 2020 में जेल में भी रहे शहबाज। शहबाज शरीफ को 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने बेटों के साथ मिलकर पैसों की हेराफेरी की। ये मामला करीब 7 अरब रुपयों से जुड़ा हुआ है। हालांकि 21 अप्रैल 2021 में उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट से जमानत भी दे दी गई थी। अब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि वो पाकिस्तान का सूरत हाल सुधार पाते हैं या नहीं।